भागलपुर सिटी एसपी राज ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन कारोबार से जुड़े पवन यादव हत्याकांड को लेकर कई अहम जानकारी साझा की। बता दें कि बीते दिनों पूर्व शहर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में घुसकर सोए अवस्था में कोयलीखुटा निवासी पवन यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी राज ने बताया कि इस हत्याकांड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बांका चकमाडी निवासी दिनेश यादव के पुत्र जयकी यादव के रूप में हुई है, जिसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। सिटी एसपी ने बताया कि 5 अप्रैल की शाम 4 बजे के करीब कोयलीखुटा निवासी पवन यादव को सुरेलोक कॉलोनी में उसके फूफा के घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस हत्याकांड के अनुसंधान में जुट गई और अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि कांड के उद्भेदन के लिए सिटी डीएसपी 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई, जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान करते हुए पुलिस टीम ने अप्राथमिक अभियुक्त बांका के रहने वाले जयकी यादव को बबरगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल समेत कई अन्य सामग्री भी बरामद की गई है और जैकी यादव के खिलाफ बबरगंज थाना में हत्या से संबंधित 2 अलग अलग मामले दर्ज है। इधर छापेमारी दल में बबरगंज थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार, पुलिस निरीक्षक धनंजय कुमार, दरोगा राहुल कुमार पासवान, प्रभात कुमार और सुशील राज समेत कई सिपाही और DIU के जवान शामिल रहे। बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाम करीब 4 बजे एक व्यक्ति पवन कुमार यादव को घर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज करते हुए, जिसमें नामजद अभियुक्तों का जो चर्चा किया गया था, पुलिस इस पे तकनीकी अनुसंधान पे विश्वास रखते हुए तकनीकी अनुसंधान किया गया है। CCTV आसपास के CCTV और जो अदर मूवमेंट है, कॉल रिकॉर्ड, इस सबको देखते हुए इसमें एक अप्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तारी जो इसमें वरीय पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जो एक टीम गठित किया गया था, जिसमें DSP 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें अप्राथमिकी अभियुक्त जैकी यादव, पिता दिनेश यादव, जो कि चक्काडी थाना जिला बांका का रहने वाला है, इसके पूर्व में भी 2 आपराधिक इतिहास रहा है। ये 119-20 कांड संख्या है, जिसमें राजकुमार यादव की हत्या हुई थी, उसमें यह शामिल था। दूसरा उसी थाना क्षेत्र अंतर्गत 359-22 जो अमरिंदर सिंह हत्याकांड हुआ है, उसमें भी यह प्राथमिकी अभियुक्त था। भागलपुर या बांका, ये बबरगंज थाना का जैकी यादव की गिरफ्तारी की गई है। और इसके साथ साथ जो मोबाइल और हम लोगों ने जो CCTV फुटेज के आधार पर जो DVR को भी हम लोगों ने सीज किया है, उसके आधार पर यह प्राथमिकी अभियुक्त की पहचान की गई है। लेकिन जो हम लोगों के द्वारा जो निकल के आया है कि कुछ पैसे का इन लोगों का जो ट्रांजैक्शन था, उसको लेकर विवाद एक अहम कारण है। लेकिन ये अभी अनुसंधान के अभी जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसमें अन्य कौन कौन और इसमें अभियुक्त शामिल हैं, उसकी भी हम लोग अभी इसमें कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को गौशाला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिजीत गुप्ता के आवास पर भागलपुर नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व अभिजीत गुप्ता के द्वारा किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मदद करना है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान नगर विधायक अजीत शर्मा हैं, वहीं NDA के प्रत्याशी वर्तमान सांसद अजय मंडल हैं। अभिजीत गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर ना ही अजय मंडल के द्वारा विकास कार्य किया गया और ना ही नगर विधायक अजीत शर्मा के द्वारा, इसलिए हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नोटा ही है। आगे उन्होंने कहा कि अभी बैठक में यह निर्णय नहीं लिया गया कि किस पार्टी को मदद करना है, इसका भी निर्णय जल्द ही हम लोगों के द्वारा ले लिया जाएगा। वहीं मंच का संचालन नगर निगम के पार्षद संजय सिन्हा कर रहे थे। संजय सिन्हा ने कहा कि आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोगों के पास अभी तक किसी भी पार्टी के उम्मीदवार मिलने नहीं आए हैं, आखिर क्यों, हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं, इसके बाद भी
आज तक कोई भी उम्मीदवार हम लोगों से मिलने नहीं आता है, इसलिए हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नोटा है। आगे उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों के पास किसी भी पार्टी का कोई लोकसभा उम्मीदवार मिलने नहीं आता है तो हम लोग उम्मीदवार का बहिष्कार करते हुए नोटा पर ही बटन दबाएंगे और हम लोग उम्मीदवार का विरोध करेंगे। इस बैठक में पार्षद गौतम बनर्जी, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शाह, उमर चांद सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के श्री गौशाला में जिला अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में भागलपुर अग्रवाल महिला समिति की ओर से गणगौर उत्सव से सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणगौर उत्सव के दौरान नवविवाहिताओं के अलावा काफी संख्या में सुहागन महिलाओं ने भगवान शंकर के प्रतिरूप ईश्वर और माता पार्वती की प्रतिमूर्ति गौरा की पूजा कर मंगल गीत की प्रस्तुति दी। वहीं उत्सव के दौरान महिलाओं ने भक्ति गीत की प्रस्तुति देने के साथ गणगौर का विसर्जन किया। इसको लेकर समाज के द्वारा गौशाला परिसर में ही गंगा जल से भरा छोटे आकार का कृत्रिम तालाब तैयार किया गया, जिसके समीप पूरे विधि विधान से महिलाओं ने पूजन कर गणगौर को जल में विसर्जित किया। वहीं समिति की अध्यक्षा प्रभा कोटरीवाल ने बताया कि पहले समाज की महिलाओं को गणगौर विसर्जन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे अब गौशाला परिसर में ही कृत्रिम तालाब बनाकर सुहागिन महिलाओं ने गणगौर विसर्जित किया। इस दौरान राजस्थानी समाज के पुरुषों, युवाओं और युवती एवं बच्चों ने भी शामिल होकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए मेला का लुत्फ उठाया। वहीं गणगौर उत्सव को लेकर महिला समिति की संयोजक सारिका जैन और नीलम डाल मिया ने बताया कि पूजन और विसर्जन के साथ ही मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए, जिसमें खाने पीने की सामग्री के अलावा कई तरह का स्टॉल भी सजाया गया था। मौके पर बद्री प्रसाद छापोलिका, संजय जैन, विनय डोकानिया, अभिषेक डालमिया समेत काफी संख्या में समाज के महिला पुरुष और हर आयु वर्ग के लोग मौजूद रहे। भागलपुर के विभिन्न घाटों पर 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व 12 अप्रैल से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। 13 अप्रैल को खरना है, 14 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ और 15 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ यह महापर्व चैती छठ संपन्न हो जाएगा। महापर्व छठ को लेकर पंडित प्रहलाद झा ने बताया कि छठ महापर्व में नहाए खाए व खरना का व्रत का विशेष महत्व है। शुक्रवार को नहाए खाए का अनुष्ठान है। पंडित सोनू झा ने बताया कि सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व है। साल में 2 बार छठ पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने का भीम का कार्तिक मास की छठ का अधिक महत्व है। भागलपुर के बड़ाड़ी सीढ़ी घाट, पुल घाट, खिरनी घाट, मुसेरी घाट, काली घाट एवं बूढ़ानाथ घाटों पर बोट के द्वारा भ्रमण कर निगरानी किया जा रहा है। चैती छठ पूजा के उपलक्ष्य पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं विभिन्न छठ घाटों पर SDRF की टीम के साथ गोताखोर और आपदा मित्र की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। भागलपुर कला केंद्र परिसर में पीस सेंटर परिधि की ओर से शुक्रवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए कहा कि ईद त्यौहार आपसी भाईचारे का संदेश देने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत इकराम हुसैन साद ने अपनी नज्म पढ़कर की, जबकि समारोह में शायर जावेद अख्तर ने अपनी नज्म पढ़ते हुए कहा कि मुसलमान और हिंदू ऐसे इस भारत में रहते हैं कि जैसे आसमान पर चांद और सितारे चमकते हैं। इसके अलावा भी देश की एकता, अखंडता, विविधता और आपसी सौहार्द से जुड़े कई तरह के शेरो शायरी और काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उदय ने कहा कि अपने देश की विविधता ही इसकी ताकत है, जहाँ हम सभी ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस जैसे कई त्यौहार मिलकर मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान ने हमें बराबरी, न्याय और सम्मान के साथ अपने अपने धर्म रीति रिवाज के पालन करने का अधिकार दिया है। मौके पर डॉक्टर फारूक अली, प्रकाश चंद गुप्ता, वासुदेव बाई, उज्जवल घोष, जयंत जलद और गंगेश राज समेत काफी संख्या में अलग अलग संगठन से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साकुन व सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के मिरट्टी गांव के समीप शुक्रवार की शाम दो बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पास से गुजर रहे दक्षिण क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अरुण दास ने घटना की सूचना सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रिय रंजन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची गश्ती गाड़ी ने तीनों घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को मायागंज रेफर कर दिया। फिलहाल पूरे घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है।